हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स का। टेबल्स के हम दो पार्ट में ट्रेनिंग को कवर करेंगे। जो पहला पार्ट होगा हमारा वो टेबल क्रिएशंस का होगा। हम उसमें पढ़ेंगे टेबल्स को हम कैसे क्रिएट्स करते हैं, टेबल की कितनी टाइप्स होती हैं क्रिएट्स करने के हवाले से। इसके अलावा टेबल की कुछ टेक्निकल मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चरल वाइज को हम पढ़ेंगे। और जब पार्ट टू हम पढ़ेंगे उसके अंदर मोर स्ट्रक्चरल चीज़ों को देखेंगे और उसकी फॉर्मेटिंग, उनकी स्टाइलिंग को हम देखेंगे। तो पहला बात यह आ जाती है कि आपके पास टेबल बनाने के कितने तरीके हैं। जो टेबल बनाने के हमारे पास जो हैं तकरीबन छः तरीके। कितने तरीके? छः। सुन के लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही है, छः तरीके हैं। और पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान है। वो ये होता है कि आप टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करो। तो आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट की खास बात ये कि ये सेपरेटेड हुआ हुआ है, सेपरेटेड बाय टैब्स। टैब्स की मदद से आपने टैब की दवाई, आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर टैप दबाया, यहाँ पे आपने कोर्स का नाम जो भी लिखना था वो आपने लिख दिया। तो कहने का मकसद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो सेपरेटेड बाय टैब्स है। टैब्स है, कॉमा या मुख्तलिफ मार्क्स की मदद से आप कर सकते हैं। ये शर्त है अगर आप टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से टेबल कन्वर्ट करने के लिए आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेपरेटेड होगा टैब्स से या कोई भी कॉमा से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। वो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं हम उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने, ऑब्वियसली पहले ये फेडेड आ रहा था, अब ये इनेबल नज़र आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे कर दे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जो टेबल्स होते हैं वो उसके अंदर कॉलम्स और रोज़ होती हैं। ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। तो उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये इसने खुद आइडेंटिफाई भी कर लिया, ये डेलिमिटेड या सेपरेटेड होए में टैब्स की मदद से, ठीक है। तो मैंने कहा ओके। तो ये बहुत आसान तरीके आपके पास कि ये आपने टेबल जो है ना वो यहाँ से बना लिया, ठीक है। तो ये दोबारा देख लीजिएगा, हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, सेलेक्ट करा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके, ठीक है। हम अंडू कहते हैं, दोबारा से आ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे दोबारा से इसको देखता हूँ, इसके अंदर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये टेबल मैंने बना लिया, अब दूसरी टाइप है और आप इसमें एक चीज़ को गौर से देखिएगा। वो टाइप क्या है हमारे पास कि यहाँ पे ग्रिड्स आ रही हैं, ठीक है। ये क्विकली टेबल बनाने के तरीके हैं कि आपने यहाँ पे ग्रिड्स ले लिए, 2x1 का, 2x2 का, 3x3, इस तरह ये नंबर्स और कॉलम्स एंड रोज बता रहे हैं, ठीक है। आपने फॉरनली यहाँ पे ये बना लिया, ये इसने ग्रिड दे दिए, इसमें अभी टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप उसमें टेक्स्ट जो ना एंटर करेंगे, क्योंकि ये अगर आप टेबल की फॉर्म, टेबल को अक्सर देखें तो टेबल बेसिकली रिकॉर्ड्स की नहीं बनाया जाता है। हम ज़्यादातर जो रोज़, हम जो भी रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं वो नॉर्मली रोज वाइज कर रहे होते हैं। तो रो वाइज हम एंटर करें डेटा को। और जो ये कॉलम्स के अंदर जो मेन चीज़ें, ये बेसिकली हेडिंग्स भी कहलाती हैं, उनको हम फील्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटाबेस की ज़ुबान के अंदर हम ये सीरियल नंबर्स, नेम्स और कोर्स, ये मेन फील्ड्स हैं। और टेबल्स का हेडर जो होता है वो ये कहलाते हैं, जो ऊपर की टॉप रो होती है, जो कि आइडेंटिफाई कर रही होती है ये सीरियल नंबर कॉलम है, ये नेम है या ये कोर्स है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर की हमने बात करी, हम आगे बढ़ते हैं। जब टेबल हम बनाते हैं और टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो टेबल पे क्लिक करने पे इसके दो अलग से कॉन्टेक्स्चुअल टैब्स आ जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट के। अगर मैं बाहर डी सेलेक्ट करूँ तो अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेबल बनाने के बाद जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर दो टैब नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो ये आपके पास आपने ग्रिड के थ्रू बनाया। डिज़ाइनिंग और लेआउट से आप मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं। लेआउटिंग पोर्शन जो होता है वो उसकी टेक्निकल चीज़ें सारी, कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में इसमें चेंजिंग कैसे करनी है। डिज़ाइनिंग डेकोरेटिव वाली चीज़ें, कि इसको आपको स्टाइलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड कि हमें टेबल कैसे बनाया जाता है। थर्ड हम आ जाते हैं कि हम टेबल पर जाते हैं और टेबल पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि आप जाएँ क्विक टेबल से बना लीजिए, ठीक है। ये क्विक टेबल्स भी आ रहे हैं, आपने क्लिक किया, ये बना हुआ आ गया, ये क्विक टेबल्स हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट के तौर पे आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, थर्ड टैब थी ये, मैंने टेक्स्ट टेबल में करा,
ये मैंने ग्रिड से बनाया, ये मैंने टेम्पलेट लिया। अगर आप मॉस का एग्जाम दे रहे हैं, माइक्रो ऑफिस स्पेशलिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें यहाँ से बोल सकते हैं क्विक स्टाइल्स टेबल में जाओ और कैलेंडर टू कैलेंडर थ्री या जो भी वो स्टाइल आप उसको स्क्रॉल करें तो ये टेम्पलेट बने वाले हैं, जो कि अगर आपको पूरा टेबल स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो आप खुद फॉर्मेट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ जो कॉमन मेथड है जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आपको पता है कि टेबल कंस्ट्रक्ट कितने आपको रोज ऑन कॉलम चाहिए तो नॉर्मली आप कर क्या रहे होते हैं कि आप यहाँ पे एंटर करते हैं इंसर्ट टेबल के ऊपर, ये चौथा मेथड है इसका। नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रोज कितनी चाहिए, अगर आपको पता है कि नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके एंटर कर लीजिए 5 और मैंने यहाँ पे लिखा 4। ठीक है, अच्छा जब आप खुद से टेबल बना रहे होते हैं तो यहाँ पे फिक्स कॉलम विद ये ऑटो फिट बिहेवियर आ रहा है कि जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कैसे फिक्स हो जाए। पहले पहला जो आ रहा है फिक्स कॉलम विद ऑटो, कॉलम की जो विथ हैं जो पे बनेगी वो फिक्स हो जाए ऑटोमेटिकली विद इनकी चौड़ाई। दूसरा आ रहा है ऑटो फिट कॉन्टेंट, ऑटो फिट टू कॉन्टेंट का मतलब ये है कि इसको आप कॉन्टेंट समझें। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा हुआ और मैं इसको टेबल में जाता हूँ और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करता हूँ तो ऑटो फिट टू कॉन्टेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ पता चला होगा, मैं नहीं पता चला तो मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ और फिर आपको और दिखाता हूँ। तो इसकी मैंने डुप्लीकेट करी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट के अंदर टेबल पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो फिट टू कॉन्टेंट, कंटेंट के मुताबिक फिट हो जाए। तो ये कंटेंट का सीरियल नंबर नेम और कोर्स, तो उसने क्या किया कि उस कंटेंट के मुताबिक जो है ना वो आपकी कॉलम की विथ को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा ऑटो फिट हुई है विथ यहाँ पे कंटेंट के मुताबिक हुई है। तो अगर आप इंसर्टिंग करें टेबल की तो आपको ये सब चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल पे दोबारा से आता हूँ, इंसर्ट टेबल पे, इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट टू विंडो आ रहा है कि इस विंडो के मुताबिक जो है ना फिट हो जाए। तो ये तीन बिहेवियर हैं जो आप काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम लोग फिक्स कॉलम विथ कर रहे होते हैं और हम उसके मुताबिक फिर हमें जो एडजस्टमेंट करना पड़ती है मैन्युअली या ऑटोमेटिकली भी, हम ऑप्शन वाइज वैल्यू वाइज भी हम विथ हाइट वगैरह कॉलम की या रो की हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि टेबल आपने इंसर्ट कर लिया और पाँचवें तरीके पर हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएँ तो पांचवा मेथड जो है वो हमारे पास वो आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहीं पर ये वही काम करता हूँ जो मैंने किया था, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये हुआ क्या कि यहाँ पे काम करा और यहाँ पे भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये इसने एक्सेल की विंडो खोली। अभी देखिए ग्रीन कलर की एक्सेल की विंडो है और उसके बाद मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ तो हुआ क्या था कि ये जो टेबल है ये एक्सेल पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? एक्सेल पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसको रिसाइज कर सकता हूँ और अगर मुझे दोबारा एडिटिंग करनी है तो मैं डबल क्लिक कर लूँगा। तो एक्सेल में आपको फ़ायदा ये होगा कि जो लोग डाटा एनालाइजिंग करते हैं वो उसके ऊपर या सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहते हैं, पिवट टेबल पे काम करना चाहते हैं, कंपैरिजन वाइज रिपोर्टिंग बना के दिखाना चाहते हैं, चार्ट्स के साथ मज़ीद एडवांस चीज़ें करके दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दिखाएं और उसके बाद वो चीज़ें वर्ड पर आ जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ये बेसिकली इन शॉर्ट कि ये डाटा जो है ये एक्सेल पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसका ताल्लुक एक्सेल से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कंडीशन फॉर्मेटिंग टाइप की चीज़ें करके एक्सेल में वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये लिंक्ड चार्ट बेसिकली लिंक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जिसका लिंक्ड एक्सेल से, क्योंकि आपने बोला कि क्रिएट एक्सेल स्प्रेडशीट चार्ट सॉरी टेबल, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन इसको इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो एक्सेल के डेटा एनालिसिस के हवाले से बहुत काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर इंफॉर्मेटिव चीज़ें बना के यहाँ पे साथ काम कर लेते हैं। क्लियर है? चौथी चीज़, पांचवी चीज़ जो कि कहीं इस्तेमाल भी हो सकती है वो ये आपके पास कि ड्रॉ टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से टेबल बनाना है, तो आपने ड्रॉ टेबल पे गए और आपने जाके टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने क्लिक खुद से करा, खुद बना लिया इसके आगे। ये बेसिकली अलग से बनाने के लिए तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग,
लेकिन मैं अक्सर इसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेबल बनाया और मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये बना लिया और मैंने इसको लिख दिया कि ये जुलाई, ठीक है, और मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कह दिया जून 2020, और इसके अंदर जो भी मुझे कलर डालना होगा मैं यहाँ पे जाऊँगा शेडिंग में कलर डाल दूंगा, सो ऑन सो ऑन। तो बेसिकली मैं अटैच करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये ड्रॉ टेबल का काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इसकी स्टाइलिंग, बॉर्डरिंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन शॉर्ट के बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे 6 तरीके आपने एक्सप्लोर करें। पहला तरीका ये था कि आप टेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो थी वो आपके पास क्या थी कि आप टेबल्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल आपने ग्रिड का इस्तेमाल करा, आपने टेबल नंबर्स डाले कि आपको कितनी रोज़ का कॉलम चाहिए, ड्रॉ करा आपने टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करा, और इसी तरह आपने एक्सेल स्प्रेडशीट से बनाया, और फिर आपने क्विक टेबल की मदद से बने बनाए टेम्पलेट का इस्तेमाल करा। ये आखिरी चीज़ के अंदर कि अगर आपके पास ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, टेबल को आप सेलेक्ट कर लें क्लिक करके यहाँ कोने पे, और यहाँ पे जाएं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप दूसरे टाइप में आ जाए, एक डिज़ाइन होता है एक लेआउट, लेआउट में जाएं और यहाँ पे जाके आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दें, ठीक है, ओके। तो ये दोबारा से यहाँ पर आ गया, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अच्छा, ये आपने सारे तरीके देख लिए टेबल बनाने के और टेबल से ऑफिस टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के तरीके देख लिए। कुछ जनरल चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और बाकी इसकी इन डेप्थ चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये टेबल पे मैं मौजूद हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए ये एरोज जो आते हैं इनके मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इनको आपको समझना आना चाहिए। अभी तक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो निशान आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करने पर 2 काम होते हैं, अगर आपने क्लिक करा तो ये सिलेक्ट हो गया, और अगर आपने क्लिक करा तो ये क्लिक करने के बाद ये 4 एरो जो आ रहे हैं इसका मतलब है इसको मूव कर लो, इस टेबल को आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और चीज़ों को देखें तो इसके अंदर आपके पास ये ब्लैक एरो आ रहा है, ब्लैक एरो जो होता है वो आपके पास यूँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप मूविंग फॉरवर्ड आप देखिएगा, ये मैन्युअली आ रहा है कि आप कॉलम्स के साइज़ को इंक्रीज करें या डिग्रीज करें, रूलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ये बीच में दोनों के जाएं तो एक प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस का साइन जो है वो क्लिक करने से क्या होगा कि एक कॉलम ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलम ऐड हो जाएगा। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो आ रही होती हैं उनको समझना है कि ये सब चीज़ें हैं क्या, ये राइटिंग टेक्स्ट लिखने का बोल रहा है कि भाई ये आइकन जो है लिखो टेक्स्ट को। अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये ब्लैक एरो आ रहा है, ये सेल को सिलेक्ट करने के नहीं आएगा कि आप क्लिक करें तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाहर चले आएँ तो ये थिक एरो आ जाएगा, थिक एरो का मतलब कि पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ, रो सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अलावा आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये प्लस का साइन आ रहा है ताकि रो भी ऐड हो जाए, तो ये आप रो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसी तरह हम यहाँ पर आ जाएँ मीटिंग पॉइंट के ऊपर, ये मैन्युअली रो की साइज़ को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। रो की जो होती है आपके पास जो होती है क्या पड़ती है, आपके पास हाइट पड़ती है, हाइट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, कॉलम का हमारे पास जो होता है विड्थ बढ़ती है या कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आइकन्स हैं जिनको आपको समझना है कि इनके मकसद क्या है, कि मैन्युअली एडिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, मैन्युअली एडिंग रोज एंड कॉलम्स, मैन्युअली एडजस्टिंग रोज एंड साइज, मैन्युअली आप रोज और कॉलम के साइज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, आपके पास मूव कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, टेबल्स में मूव करना होता है टैब की मदद से आप मूव कर रहे होते हैं सेल टू सेल, अगर आप शिफ्ट टैब दबा देंगे तो एक सेल पीछे आ जाएंगे, अगर आप मुस्तकिल राइट करते चले आ रहे हैं, आपने कुछ भी लिखा ये और उसके बाद आपने टैब दबा दिया, तो टैब दबाने से क्या होगा वो वर्ड समझेगा कि नेक्स्ट आपको एक और रो की जरूरत पड़ रही, तो टैब दबाने के बाद लास्ट सेल के बाद एक आपके पास क्या होगा एक रो ऐड हो जाएगी, क्लियर। ये जनरल चीज़ें जो क्लिक करने पे आ रही हैं, और एक चीज़ और भी आ रही है यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये रिसाइजिंग का है, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी जो है ना वो आप कर सकते हैं, और अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं।
ये तो आप मैन्युअली कर रहे थे, अब हम ज़रा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस क्या हैं। जैसे अभी आप रोज़ एंड कॉलम को मैन्युअली आपने ऐड करे, आपने कॉलम की विथ को खुद से एडजस्ट करे, रो की हाइट को खुद से मैन्युअली एडजस्ट करे माउस की मदद से, अब हम इसको ऑटोमेटिक तरीक़ों से राइट क्लिक के थ्रू भी देखते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी देखते हैं। मैं इंसर्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर टेबल पर जाता हूँ और मैं ग्रिड बना लेता हूँ टेबल, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास एक टेबल मैंने बनाया है जिसके अंदर 3 कॉलम एंड 3 रोज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो राइट क्लिक करने के ऊपर, तो मेरे पास राइट क्लिक करने के ऊपर टेबल के ऊपर जो ऑप्शन आ रहे होते हैं वो बेसिकली ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं टेबल्स के मुतालिक। तो क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था इंसर्टिंग की कि हमने रोज़ एंड कॉलम इंसर्ट्स करे थे से क्लिक्स जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहे थे यहाँ पे आइकन्स उनकी मदद से और एडजस्ट कर रहा था रोज़ को, तो हमारे पास इंसर्टिंग के ऑप्शन वो यहाँ से आ रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ लिखा है सी, ठीक है। अब मुझे ए से पहले कोई कॉलम चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और मुझे कॉलम कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा कि मुझे लेफ़्ट पे चाहिए। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ रोज़ को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि यहाँ पे अली, यहाँ पे सवा, यहाँ पे मुझे नाम ऐड करने, अली के बाद मुझे एहसन का नाम सेव चाहिए था। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के अंदर और रोज़ बिलो या अबव, मुझे अली के नीचे चाहिए तो मैं बिलो करूँगा इस रो के नीचे, अगर अली के ऊपर चाहिए तो मैं अबव करूँगा, तो मैंने बिलो करा, क्लियर है। तो ये काम थर्ड तरीका कहाँ से आप कर सकते हैं कि आप लेआउट में जाएँ और लेआउट में जाने के बाद आपके पास इंसर्ट रोज़ अबव बिलो, इसी तरह आपके पास कॉलम इंसर्ट लेफ्ट या राइट जो कि आपने राइट क्लिक करके भी करा, तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। ज़्यादातर हम राइट क्लिक भी, मैं अपनी पर्सनल बात कर दूँ, मैं राइट क्लिक भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेआउट में जाकर आप फ़ौरन यहाँ पे डाल लें, क्लियर है। ये तो था कि इंसर्टिंग के हवाले से ऑप्शन, आप विथ को एडजस्ट भी कर रहे थे, ठीक है। आप किसकी विथ को एडजस्ट कर रहे थे, कॉलम की विथ होती है और रो की हाइट होती है, तो अगर आप करना चाहें एडजस्ट तो आप यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाइट आप इंक्रीज करें, ठीक है। पर्टिकुलर पूरे टेबल की है लेकिन आपको उसे पहले की चाहिए, तो आपने कहा कि भाई मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे जाते हैं, और या तो आप यूँ क्लिक कर लें या तो बाहर क्लिक कर लें जो कि बताया गया थोड़ी देर पहले कि वाइट एरो से क्लिक कर लें बाहर की साइड के ऊपर, तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। और आप यहाँ पे जाएं, अगर जैम में तो वो आपसे वैल्यू बोलेगा 0.5, 10 जो भी, वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पे लिख के भी। तो वो जो आपके पास पर्टिकुलर रो थी उसका साइज़ बढ़ रहा है, तो अगर आपने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया तो सबकी बढ़ जाएगी। तो ये आपको जहन में रखना है कि आपको करना क्या टेबल बनाते वक्त, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो ये वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो टेबल बनाते वक्त आ रहे थे, कि ऑटो फिट कंटेंट भी आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो जो हमने टेबल बनाते वक्त कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। इसी तरीके से कॉलम के साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना चाहें और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर एक कॉलम का या एक कॉलम का साइज़। तो इन शॉर्ट के वैल्यू लिख के करना हो, यहाँ से करना हो, मैनुअली करना हो, आप कॉलम का साइज़ या रो की हाइट जो है ना वो चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। 3 मेथड हैं, या तो मैन्युअली या वैल्यू डाल के, या आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से क्लिक करके इंक्रीज या डिक्रीज कर लीजिए, क्लियर है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो टेबलिंग के हवाले से हैं कि जब टेबल पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से जो ना ऑप्शन चाहिए होते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और चीज़ों की, कि अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें आ रही मुख्तलिफ किस्म की, कि मैं डिलीट करना, ठीक है, इसी तरह वो डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट क्या करना चाह रहे, रो डिलीट कर लें, ठीक है। इसी तरह आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर लें, आपको पूरा टेबल डिलीट करना है पूरा टेबल डिलीट कर लें, ये आपके ऊपर मौजूद है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेआउट में गया, डिलीट पे गया, और मुझे पर्टिकुलर सेल भी डिलीट कर सकता हूँ। सेल अमूमन हम कर नहीं रहे होते क्योंकि सेल को जब हम डिलीट करते हैं तो सेल को डिलीट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि शिफ्ट सेल राइट, जब डिलीट हो सेल तो क्या करें, जो सेल है वो शिफ्ट हो जाए लेफ्ट पे, ओके कर देता हूँ, तो ये शिफ्ट हो गया लेफ्ट पर। ये आपको कंस्ट्रक्ट जब आप करेंगे टेबल को, टेबल में कोई भी वैल्यू लिखें और यहाँ पर जाएँ और आप यहाँ पर कहेंगे डिलीट सेल्स
और अब आप उसको करते हैं शिफ्ट सेल राइट अप, तो ये अब डिलीट हुआ, अब चला गया। तो कहने का मकसद ये कि शिफ्टिंग करना शुरू कर देगा, डिलीट करेगा, कहेगा भाई मैं इसको फिल कैसे करूँ, तो ये फिलिंग कर देगा लेफ्ट राइट अप एंड डाउन से। तो नॉर्मली ये हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसका मकसद ये होगा कि आप टेबल के सारे कंटेंट को आगे पीछे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है अपने चीज़ों के साथ। ये था मेरे पास जो ये पहला पार्ट था, वो बेसिकली क्या था कि इसके अंदर जनरल ऑप्शंस थे कि आपने टेबल के मुख्तलिफ तरीके देखे बनाने के, ठीक है। आपने टेबल पे जो सिलेक्शन होती हैं, मूविंग होती है, उसके अलावा माउस की मदद से जो आइकन नज़र आ रहे थे उनकी मदद से इंस्ट्रक्शन डिलीट करना, राइट क्लिक करके भी सारे ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना जो कि अभी कराए गए, उसके अलावा असल ऑप्शन लेआउट में जाके यहाँ पे सारे ऑप्शन को अप्लाई करना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेल साइजिंग वगैरह, अलाइनमेंट्स वगैरह की चीज़ों को देखेंगे, आप टेबल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसके अलावा डिज़ाइनिंग को देखेंगे, टेबल के डिज़ाइनिंग के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। थैंक यू।